हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आयुर्वेदिक टिप्स। फ्रेंड्स, क्या आप भी कमजोरी थकान की समस्या से परेशान रहते हैं, या आपको अनिद्रा की समस्या है, यानी कि आपको रात को नींद अच्छे से नहीं आती है, आपके शरीर में हमेशा वीकनेस फील होता है, या आप कोई भी काम करते हैं, काम करने के तुरंत बाद आपको थकावट महसूस होती है, या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, आपकी हड्डियाँ कमजोर हो गई हैं, यानी कि अगर आपको बैठते उठते टाइम हड्डियों में दर्द होता हो, हड्डियों से कटकट की आवाज़ आती है, या आप जॉइंट पेन की समस्या से परेशान हैं, यानी कि आपके जोड़ों में घुटनों में हमेशा दर्द बने रहता है, या आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, यानी कि एनीमिया रोग से परेशान है, या कब्ज की समस्या से परेशान है, या आप शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, या हार्ट के पेशेंट हैं, इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे नुस्खे बताने वाली हूँ, ऐसा रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसका अगर आप प्रयोग कर लेते हैं फ्रेंड्स, दूध के साथ प्रयोग कर लेते हैं, या ऐसे भी इसका प्रयोग करते हैं, तो आपको 100% आपके शरीर से कमजोरी थकान की समस्या दूर हो जाएगी, अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी, आपके ज्वाइंट पेन की समस्या यानी कि जोड़ों और घुटनों की दर्द की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को, इस रेमेडी को बनाने के लिए हम इसमें जो फर्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, उसके लिए आपको मखाने यानी कि फॉक्स नट का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो मखाना है आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इसका प्रयोग किसी भी तरीके से करेंगे, आपको फायदा ही होगा, इसके नुकसान आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि मखाना जो है पौष्टिकता से भरपूर होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, कैल्शियम की कमी होने की वजह से आपके शरीर में कमजोरी, थकान की भी समस्या उत्पन्न होती है, और आपकी हड्डियाँ भी कमजोर हो जाती हैं, और इसके साथ ही मैग्नीशियम की कमी होने की जैसे भी आपके शरीर में सब बीमारियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों एक साथ प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए अगर आप मखाने का प्रयोग करते हैं तो इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों होता है, जो कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करके आपके शरीर में कमजोरी, थकान की समस्या को दूर करता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इसमें जो है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके शरीर में कमजोरी, थकान की समस्या को दूर करता है, और ये आपके शरीर के निर्माण में बहुत ही मददगार होता है प्रोटीन, और आपको ताकत फील कराने के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो कि आपके कब्ज की समस्या को दूर करता है। आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो लोग एनीमिया से परेशान हैं, खून की कमी हो गई है, उनको दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है मखाना। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप इसका प्रयोग खाली पेट करते हैं तो भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करना होता है, और अलग अलग तरीके से प्रयोग करने से आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि इसका पहला तरीका है कि आप इसका प्रयोग सुबह में खाली पेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मखाने ले लेने हैं और आपको इसे रोस्ट करना है। आप थोड़ा सा एक पैन ले लीजिए, इसमें शुद्ध देसी घी डाल दीजिए थोड़ा सा, और इसमें मखाने को डाल दीजिए। आप ज़्यादा मात्रा में इसे स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इसे रोस्ट करना अच्छा नहीं रहता है, टाइम भी नहीं रहता है, तो आप इसे ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर मखाना ले लीजिए और इसे भून लीजिए। जब आप इसे मीडियम फ्लेम पर आपको भूनना है, इसे रोस्ट करना है, जब ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगा तो बिल्कुल ये क्रिस्पी हो जाएगा। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। डेली सुबह में आपको खाली पेट 5 से 7 मखाने लेने हैं और इसे चबा चबा कर खा लेना है। उसके बाद आपको 1 गिलास गुनगुना यानी कि गर्म पानी पी लेना है। इसे अगर खाली पेट आप इसका प्रयोग करते हैं, इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि इसके सुबह खाली पेट मखाने का प्रयोग करने से आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है, फैट रिड्यूस होता है, और आपके शरीर में सोडियम की मात्रा भी कंट्रोल में रहती है। और इस तरीके से प्रयोग करने से आपकी हड्डियां भी मजबूत बनती है और आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर आप इसका प्रयोग सुबह खाली पेट करते हैं तो इससे आपके शरीर में खून की कमी बहुत ही जल्दी दूर होने लगती है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, जो कि आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं, वो आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, और आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाते हैं। और इसमें जो है मखाने में हेल्दी फैट, फॉस्फोरस और विटामिन और कैलोरी भी भरपूर मात्रा में मिलता है। इसलिए अगर आप इसका प्रयोग सुबह खाली पेट करते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया है। इसके अलावा जो लोग हाई बीपी की समस्या से परेशान रहते हैं,
जाते हैं या लो बीपी की समस्या से, यानी कि बीपी के मरीज हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा कम और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है जो उच्च रक्तचाप को कम करती है। इसलिए अगर आप सुबह खाली पेट मखाने का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी हाई बीपी कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा जो हृदय के पेशेंट है, हृदय के मरीज है, उनके लिए भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए मखाना रामबाण इलाज की तरह काम करता है। तो अगर आप इसका प्रयोग, मखाने का प्रयोग दिन में किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, रोस्ट किए हुए मखाने को 5 से 7 मखाने ले लीजिए दिन में किसी भी टाइम, आप इसे चबा चबा कर खा सकते हैं। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा तरीका है कि आप मखाने का प्रयोग दूध के साथ कर सकते हैं। अगर आप मखाने का प्रयोग दूध के साथ करेंगे तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग खासकर अनिद्रा की समस्या से परेशान रहते हैं, कमजोरी थकान की समस्या से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये जो मखाना है रामबाण इलाज की तरह काम करता है। जिनको याददाश्त शक्ति बढ़ानी है या जोड़ों और घुटनों की दर्द की समस्या से परेशान है, उनको खास करके मखाने का प्रयोग दूध के साथ करना है। इसके लिए आप इसका प्रयोग कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप मखाने को रोस्ट कर लीजिए और इस मखाने को ले लीजिए, 5 से 7 मखाने ले लीजिए, इसे चबा चबा कर खा लीजिए और 1 गिलास गर्म दूध आपको पी लेना है मखाना खाने के बाद। और इसका प्रयोग आपको डेली रात को सोने से आधा घंटा पहले करना है। जो लोग मखाने को इस तरह रोस्ट किए हुए मखाने को चबा चबा कर नहीं खाना चाहते हैं, वो इसका प्रयोग पाउडर बनाकर भी कर सकते हैं। पहले आप मखाने को रोस्ट कर लीजिए, फिर इसे मिक्सी में ग्राइंड करके इसे पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लीजिए और डेली रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध ले लीजिए और इसमें 1 चम्मच मखाने के पाउडर को डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और रात को सोने से आधा घंटा पहले पी लीजिए। आप इस तरीके से बच्चे को भी दे सकते हैं। जो बच्चे हैं स्टडी कर रहे हैं, जिनको वीकनेस होती रहती है, याददाश्त शक्ति कमजोर है, उनको इस तरीके से दे सकते हैं पाउडर बनाकर, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे जो है रोस्टेड मखाने जो है ऐसे नहीं खा पाए, तो इसे पाउडर बनाकर आप दे सकते हैं। और मीठा बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें 1 चम्मच शहद का यूज कर सकते हैं। चीनी का प्रयोग आपको नहीं करना है। मखाने का प्रयोग आप एक अलग तरीके से कर सकते हैं कि एक तो आप रोस्ट करके खा सकते हैं दूध के साथ, और तीसरा तरीका है कि आपको 5 से 7 मखाने लेने हैं, अपने हिस्से का आप 1 गिलास दूध ले लीजिए और इसे गर्म कीजिए और इसमें मखाने को डाल दीजिए। आपको इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक, तब तक मखाने को पकाना है जब तक मखाना जो है थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाए। आपको दूध में उसे अच्छे से उबालना है, बॉयल करना है। जब मखाने सॉफ्ट हो जाए तब आप इसे गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसे 1 गिलास में ले लीजिए और इसे भी सेम तरीके से आपको रात को सोने से आधा घंटे पहले आप इसका प्रयोग करना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ फ्रेंड्स, इतना इफेक्टिव नुस्खा है कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, सर्दियों भर आप इसका प्रयोग करते हैं या किसी भी मौसम में आप इसका प्रयोग करते हैं, तो आपको ज्वाइंट पेन की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि आपकी जो हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, वो कटकट की आवाज आना बंद हो जाएगी। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इस रेमेडी से बहुत लोगों को फायदा हुआ है और मेरे घर में ठंड के मौसम में जितने भी फैमिली वाले हैं सभी प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग करने से आपके शरीर में जो भी कमजोरी थकान की समस्या रहेगी 100% खत्म हो जाती है। ये बहुत ही आजमाया हुआ और रामबाण नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ। तो जो लोग परेशान हो चुके हैं अपने हड्डियों की दर्द से और घुटनों की दर्द से और कमजोरी थकान की समस्या से, वो इस रेमेडी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। मैं आपको फिर से रिकमेंड कर रही हूँ फ्रेंड्स कि ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप इसका प्रयोग दूध के साथ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 2 तरीका बताया है, दोनों के दोनों बहुत ही फायदेमंद है। यानी कि दूध के साथ आपको किस किस तरीके से करना है और किस तरीके से किन लोगों को करना है वो मैंने बता दिया है। जैसे कि अगर सुबह खाली पेट आप इसका प्रयोग गर्म पानी के साथ करते हैं तो इसके अलग बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लेकिन खास करके जो अनिद्रा की समस्या से परेशान है, जॉइंट पेन की समस्या से परेशान है और कमजोरी थकान की समस्या से परेशान है, उनको दूध के साथ ही इसका प्रयोग करना है। चाहे आप उबाल कर कीजिए, चाहे इसे खाकर दूध को पी लीजिए, मतलब किसी भी तरीके से आपको करना है, लेकिन दूध के साथ करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने जोड़ों और घुटनों की दर्द की समस्या से परेशान हो चुके हैं या आप कमजोरी थकान की समस्या से परेशान हो चुके हैं, अनिद्रा की समस्या से परेशान हो चुके हैं और कोई भी रेमेडी ट्राई करके देख चुके हैं, मेडिसिन प्रयोग करके देख चुके हैं, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस रेमेडी को बनाइए और इसका प्रयोग कीजिए। आपको गारंटी देती हूँ आपको 100% फायदा मिलेगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी को, इस नुस्खे को बनाइए और इसका प्रयोग कीजिए। लगातार 3 से 7 दिन तक इसका प्रयोग कीजिए, फिर अपना एक्सपीरियंस जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यह 100% रिजल्ट देता है, इससे काफी लोगों को फायदा हुआ है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी को जरूर से बनाइए और इसको ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी होम रेमेडीज और आयुर्वेदिक नुस्खे की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस
कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबको मिलता रहे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।